बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में अमान में रखे, अल्लाह ताला सबकी झोलियाँ खुशियों से भरते। शहीन अख्तर ब्लॉग में आपको खुश आमदेद कहते हैं। एक आज सुबह की मैं रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि ये मैं नाश्ता बना रही थी और यहाँ नाश्ता बनाते हुए मेरा हाथ भी जल गया था, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में। तो वो कैमरे ने खुद ही रिकॉर्ड कर ली थी, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर भी हो जाएगी। तो जो मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को कीजिए लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दे देखे। फिर मैंने ऊपर ना दवाई लगाई थी जहाँ से मेरा हाथ चल गया था। सुबह सुबह के टाइम आपको पता है ज़रा मसरूफियत वाला होता है। ये मैंने आमलेट बनाया था बच्चों के लिए, बच्चों ने स्कूल जाना था और इनके पापा ने जाना था काम पे, तो फिर ये नाश्ता हमारा बन रहा था। तो मैं आपके साथ दिन के खाने की भी रूटीन इसमें शामिल करती हूँ और शाम का जो हमने, ये हमारा नाश्ता हो चुका तैयार और चाय भी हमारी बन चुकी थी। फिर बच्चों ने और इनके पापा ने नाश्ता किया और वो अपने काम पे चले गए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी पसंद। ये मैंने दिन के खाने के लिए सालन बनाया था मटर आलू का, तो वो भी मैं आपके साथ, मैंने कहा चलें छोटी सी वीडियो, सब एक ही वीडियो पे निपटाते हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं आज का व्लॉग। तो ये कल के दिन का व्लॉग है, आज के दिन का व्लॉग नहीं है। तो मेरा हाथ जल गया था तो इस वजह से मैंने की नहीं इसको, मैंने वीडियो को अपलोड नहीं किया। तो ये देखिए हमारा मसाला सारा बुना गया, प्याज हमारे लाल थे, इसमें मैंने जो है लहसुन अदरक डाल दिया था वो भी लाल हो चुका था, और फिर मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए थे वो भी हमारे हो चुके थे, और हमने मच्छी नमक डाल दी आपके सामने। मिर्ची नमक आपको पता ही है हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ये मैंने फिर ऊपर से ढक दिया था थोड़ा सा पानी डाल के, ना मैंने कहा गाजरें और मटर हमारे हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें डालूंगी आलू। आलू डालूंगी ये, मैंने आलू भी डाल दिए। आलू डाल दिए मैंने और हमारी ये जो थी ना हांडी बच्चों को बहुत पसंद आई थी। मेरा छोटा बेटा जो है वो मटर आलू नहीं खाता, गाजरें डाली थी तो फिर उसने खा ली थी, उसको पसंद ही नहीं है मटर आलू। ये फिर मैंने लेमन और जो है ना सब्ज़ मिर्च वो भी डाल दी थी। आप देख सकते हैं हम वॉइस ओवर करने में कितनी मुश्किल आती है, इसीलिए हम लाइव चैट में भी आवाज़ बंद कर देते हैं, हमारे घर में बहुत शोर होता है, हमारी जॉइंट फैमिली है जिसकी वजह से कोई खामोश ही नहीं रहता। तो प्लीज़ लाइव चैट में आया करें, लाइव चैट में सपोर्ट किया करें, मुझे चैनल को लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मुझे लाजमी बताइएगा ये ब्लॉग कैसा था। मैंने इसके साथ शाम की भी आपके साथ रूटीन शामिल किया, तो वो भी आप देखिएगा, मैंने शाम की रूटीन भी आपके साथ शेयर किया। ये फिर मैंने हल्का सा पानी डाला था, बिल्कुल हल्का सा, जिसमें हमारे आलू जो ना वो हो जाएँ, क्योंकि गाजरें और मटर तो हो चुके थे,
फिर मैंने ज़रा सा पानी डाला और मैंने कहा कि इसी में हमारे आलू हो जाएंगे। तो ये देखें हमारे सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी आज की, सालन हमारा आज का तैयार हो चुका था। जो मेरे हस्बैंड तो आलू मटर बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे ज़रा छोटे वाला बच्चा जो मेरा वो नखरे करता है। ये देखें फिर शाम को मैंने नए पाप को शाम का वक्त लाइट भी नहीं थी हमारी, जब मैंने ये पॉपकॉर्न बनाए थे हमारी लाइट भी नहीं थी, तो इस वजह से धुंधला धुंधला आया हुआ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए ना मुझे लाजमी बताइएगा और वीडियो को कीजिएगा फुल वॉच। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो नए व्लॉग के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घर में सम्मान में रखें, अल्लाह ताला सबकी जोड़ियाँ खुशियों से भर दे।